आलू दिख रहे हैं, आपका समय स्टार्ट हो गया है, समय 5 सेकंड है और जवाब एक बार देना है। बताइए कितने रीच है इसके अंदर, कितने रीच है? 5। 5 है, ठीक है। कितने भैया? 5। अरे फाइनल फाइनल साम लो। अब इसके अंदर 5 नहीं है, इसके अंदर एक रीच है, जो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, ऊपर गया, गोली मारी, नीचे ठीक है, एक ही भालू गया। भैया हम लोग उदयपुर के लिए निकल चुके हैं, अभी बस पार्क कर दिया कहाँ पे? मॉल। ये मॉल कौन सा मॉल है भैया? ये सेलिब्रेशन मॉल। सेलिब्रेशन मॉल पे बस पार्क कर दिया और यहाँ से ऑटो ले लिए, 3 ऑटो लिए, तो यहाँ से सीधा जाएंगे सिटी पैलेस और वहाँ से सीधा फिर फतेह सागर लेक। तो चलिए पहले चलते हैं सिटी पैलेस के लिए। तो भैया सिटी पैलेस पहुंच चुके हैं और आज पूरा पैलेस देखेंगे और उसका जो जो भी है मैं सब कुछ दिखाऊंगा डिटेल से। तो चलिए देखते हैं अभी। आप जो राजमहल देखने चल रहे हो मेरे साथ, ये भारत का 2 नंबर का महल है। पहला नंबर जो राजमहल है उसको बोलते हैं मैसूर राजमहल। इस राजमहल का जो नींव रखा, सबसे पहले आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के बारे में, उनके जो पिताजी हुए थे जिनका नाम था महाराणा उदय सिंह जी, जिनके नाम का ये उदयपुर शहर बना हुआ है, उन्होंने इस राजमहल का नींव रखा सबसे पहले 16 मार्च 1559 में। उसके बाद इस राजमहल को बनाया है 22 राजाओं ने 400 बरस में, किसी एक राजा ने इसको नहीं बनाया, राजा आते गए इसको बनाते गए और अभी भी यहाँ पे राजा रहते हैं, जो उदय सिंह जी का ही 24वां पीढ़ी है। उनका नाम है अरविंद सिंह जी मेवाड़, जो इसी राजमहल के अंदर रहते हैं। उस बाजू में सामने दरवाजा लगा है ना, ठीक है ना, वहाँ पे राजा रहते हैं अपने परिवार के साथ। उनके परिवार में एक राजकुमार है और 2 राजकुमारियां हैं, है ना, शादी सबका हो चुका है। राजकुमार का शादी लक्षरा सिंह जी, उनका नाम है, उड़ीसा में हुआ। एक राजकुमारी हमारे राजस्थान में, एक राजकुमारी आपके गुजरात में, जगह है संतरामपुर, 2011 में शादी हुआ था, है ना। और यहाँ की जो महारानी है वो भी आपके गुजरात से ही है, कच्छ से, कच्छभुज है ना, वहाँ से, ठीक है। यहाँ के राजा जी है ना, वो वहाँ शादी करी है ना भैया। अरविंद सिंह जी यहाँ के राजा जी हैं, अभी जो 78 ईयर ओल्ड है, ठीक है ना, उस तरफ रहते हैं। आपने शायद उनको देखा नहीं होगा, काफी सारे टीवी प्रोग्राम में आते हैं, मास्टर शेफ आए थे, अक्षय कुमार वाला फाइनल, उसके अंदर जज बने थे, ठीक है भैया। तो उस इस पहले के अंदर 2 पार्ट है, एक में उधर राजा रह जाए परिवार के साथ, सही बात जो है। ये म्यूजियम बना हुआ है जिसको आपको देखना है, जिसका टिकट आपने दिया है 300 रुपये वाला, दिया ना 300 वाला टिकट, ठीक है ना। ये म्यूजियम जो है ये एक ट्रस्ट बना हुआ, इसको बोलते हैं महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। आज आपने पैसा दिया टिकट वगैरह का, ये पैसा राजा जी यूज नहीं करते हैं, ये पैसा जो आता है ना ये ट्रस्ट में जाता है चैरिटी के अंदर। मेंटेनेंस में लोग काम करते हैं, स्कूल वगैरह के, राजा के लिए उनका होटल बिजनेस है, जिसका एक ग्रुप बना हुआ है HRH, जिसका फुल फॉर्म होता है हेरिटेज रिसोर्ट एंड होटल। पैसा ट्रस्ट जाता है राजा जी मेंटेनेंस में, उनके लिए उनका होटल बिजनेस है, बहुत सारे होटल है, 2 होटल उस बाजू जहाँ रहते हैं, 5 उदयपुर के अंदर, 18 राजस्थान के अंदर है। ये भारत का सबसे पुराना वंश है, इनको सूर्यवंशी राजा कहते हैं। ये भगवान राम के कुल से है, भगवान राम का ये लड़के थे ना लव वंशज, ये लव सूर्यवंशी है। तो मॉर्निंग में सूरज भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद खाना पीना स्टार्ट करते हैं। अब जब बरसात का मौसम होता है, जब सूरज भगवान नहीं दिखता है, तो राजा जी ने क्या किया, वो नकली सूरज बनाया, एक बनाया जनता के लिए, वो सामने बनाओ, देखो भैया वो दिख रहा आपको सामने, पीतल का है ना। जनता जो होती थी इसी कोटिया में आती, इसको बोलते पब्लिक कोटिया, दीवाने आम, यहाँ दर्शन करती थी, खाना पीना स्टार्ट करती। राजा जी के अंदर बना हुआ है सोने का बना हुआ है गोल्ड का, जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हाउस नंबर 1 है, कौन सा है, क्योंकि मकान नंबर 1 है, क्योंकि जब उदयपुर बना सबसे पहले मकान ही बना उदय सिंह जी, माना पड़ता के फादर ये है ना, तो हाउस नंबर 1 है ना। म्यूजियम के अंदर 2 पहले से राजा और रानी का, अपन जो एंट्री कर रहे हैं सामने इसी गेट से, जहाँ से राजा प्रवेश करते हैं महल के अंदर, सामने दरवाजा, इसका नाम है गणेश लोडी, लोडी का मतलब होता है छोटा दरवाजा, इसलिए आप अंदर आ देखा बड़े दरवाजे को पोल कहते हैं, और लोडी का मतलब होता है छोटा दरवाजा। सामने एक गणपति का मूर्ति है जो 400 बरस पुराना, कितना है
400 बरस राजा जब महल के अंदर प्रवेश करते ना तो सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं गणपति महाराज का, वो होता है गुड लक के। तो आइए सबसे पहले आशीर्वाद लिया गणपति महाराज का। टिकट 400 साल पुराना है। ताज महल का सबसे पुराना पार्ट है, इसको महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह जी बनवाया था। ये कोटियार और सामने इस तरफ रूम, ठीक है भैया, इसी में सामने जो रूम है ये पूरा है, इसके अंदर महाराणा प्रताप का ओरिजिनल हथियार कवच रखा गया है जिनका टोटल वजन है 35 kg 35 kg, जो आपको अंदर जाके देखना है। लेकिन यहाँ के दरवाजे काफी छोटे हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है माई ड्यू है, तो आपको सर झुकाना है, क्योंकि सर उठाया सर फूटेगा राजा जी क्लेम नहीं देंगे, सही बात है ना। तो लोग लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है ना भैया, तो अपने वो स्टम नहीं करना, कौन सा उस्मान राज वाला झुकेगा नहीं, तो दरवाजा देख लो झुक जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या छोटे दरवाजे मिलेंगे और छोटी गलियां मिलेगी, कोई बात नहीं, पुष्पा झुक के चले। हाँ मतलब जिसका नाम था हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, लेकिन अकबर की कभी हिम्मत नहीं हुई महाराणा प्रताप के सामने आए, हमेशा यहाँ पे दूसरे आदमी को भेजता था। तो यहाँ पर आया था जयपुर का राजा मानसिंह लड़ाई करने के लिए, क्यों, क्योंकि मानसिंह की जो बहन थी जिसका नाम था जोधाबाई, उसका शादी अकबर से हुआ, जोधा अकबर आपको पीछे देखी है ना, इसी में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेटक उसका डेथ हो गया था, इसका स्टोरी बना हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप चेटक को देखेंगे भैया, उसके मुंह पे क्या उस समय नकली सूंड लगाते थे घोड़े के मुंह पे, ताकि हाथी इसको अपना छोटा बच्चा समझे, इस पर आक्रमण नहीं करे, ठीक है, ऐसी नकली सूंड उसको पहनाई जाती थी, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हथियार कवच देखते पर महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और जयपुर के राजा मानसिंह के बीच, जिसके अंदर महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठे जिसका नाम चेतक है, हाथी पर है जयपुर का राजा मानसिंह, ठीक है ना। अब देखिए चेतक ने हाथी के ऊपर जंप किया, महाराणा प्रताप ने अपने बाले से आक्रमण किया मानसिंह के ऊपर, ये बच गया, ये महावत बीच पे आया मारा गया। उसी समय हाथी ने अपनी सूंड में तलवार पकड़ी होती है जिससे घोड़े का पीछे का एक पैर कट जाता है, हाथी को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं तलवार घुमाने की सूंड से ना भैया। अब ये इस घोड़े का एक पैर कट चुका है, ये घोड़ा महाराणा प्रताप को लेकर बाहर निकलता है, देखो इसका एक पैर कटा हुआ, देखो या ब्लड आ रहा, देखो आप दिख रहा आपको दिख रहा भैया, ब्लड आ रहा है ना यहाँ पे चेतक के, है ना, ठीक है। जैसे ये चेतक बाहर निकलता है आगे जाने पर, ये दो मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं उनको पकड़ने के लिए, तो एक महाराणा प्रताप का छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है शक्ति सिंह, ठीक है भैया। तो फैमिली प्रॉब्लम थी, ये महाराणा प्रताप के अगेंस्ट था, खिलाफ था, लेकिन देखा कि मेरा भाई मुसीबत में बड़ा भाई, तो पीछे से आया, दोनों सोल्जर्स को मार दिया, हिंदुस्तान में अच्छी खबर आई, भाई भाई के काम हुए, लंका जा रहे ना, ठीक है। रास्ते में नदी आती है 22 फीट का, चेतक नदी को जंप किया, हुआ जाके चेतक का डेथ हो गया, ठीक है। फिर शक्ति सिंह छोटा भाई गया, महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया, महाराणा प्रताप चले गए राजपूत कैंप में। इस युद्ध के अंदर 8 घंटे के अंदर 18,000 लोग मारे गए, इसका मिट्टी पीला इसको हल्दी घाटी बोलते हैं। और अकबर का सपना था मेवाड़ जीतने का, महाराणा प्रताप को पकड़ने का, पूरा नहीं हुआ, महाराणा प्रताप विजय हुए इस युद्ध के अंदर, है ना भैया। इतिहास कुछ भी हो लेकिन महाराणा प्रताप ध्यान रखना विजय हुए इस युद्ध के अंदर, ठीक है ना, विजय हुए क्योंकि उन्होंने काफी सारे मंदिरों का निर्माण करवाया युद्ध जीतने के बाद, है ना, हल्दी घाटी के बाद। तो राजा मंदिरों का मंदिर इसलिए करवाते हैं, आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ से इस पैलेस का नींव रखा गया, इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, ये जो शुरुआत हुई ना भैया वो यहाँ से हुई है, इस जगह से, क्योंकि जब उदय सिंह जी आए थे सबसे पहले महाराणा प्रताप के फादर, तो यहाँ पे वो जगह है जहाँ पर एक साधु तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी। उदय सिंह जी ने सबसे पहले उनका आशीर्वाद दिया और जहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे वहीं से इस पैलेस का नींव रखा गया, फाउंडेशन रखा गया, उस जगह को एक मंदिर का रूप दे दिया गया, इसको बोलते हैं नौ चौकी महल। वहाँ पे उनका मूर्ति भी है गोस्वामी प्रेमगिरी का, आपको दर्शन करना आशीर्वाद देना, काफी आध्यात्मिक मंदिर है। इसी मंदिर के सामने ये जो जगह है इसको बोलते हैं राय आंगन, यहाँ पे पहले राष्ट्रीय का प्रोग्राम होता था, कोई भी राजा बनता ना वो प्रोग्राम यहाँ होता था, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं गोस्वामी प्रेम। बाट टब है ना नहाने का, है ना भैया, ये बाट टब नहीं है भैया, ये सिर्फ एक पत्थर से बना हुआ है, इसके बीच में कोई जॉइंट नहीं है, सिंगल पीस मार्बल है। और यहाँ पे कोई भी राष्ट्रीय का प्रोग्राम होता था तो इसके अंदर उस समय 1,00,000 चांदी के सिक्के डाले जाते थे, 1,00,000 जिसमें से 25,000 गरीबों पे दान करते थे और 75,000
वो आते थे धार्मिक कार्यों, मंदिर हवन वगैरह, है ना। एक पत्थर से बना हुआ, इसको मेवाड़ी में लक्कू कुंड कहते हैं, हमारी जो भाषा है ना मेवाड़ी, लक्कू कुंड इसका नाम है। और एक पत्थर से बना हुआ है, और राजा जो गरीबों में सिक्के दान करते ना, वो ऊपर से करते थे, वहां से वहां पे एक कुर्सी बनी थी, चेयर है ना भैया, वहां पे राजा बैठते सिक्कों को नीचे फेंकते थे, उसको बोलते हैं बालकनी। और मेवाड़ी बोलते हैं घोपड़ा, क्या बोलते हैं घोपड़ा, तो वो होते लक्कू घोपड़ा। और ये लक्कू कुंड है भैया, है ना, ये लक्कू कुंड, लक्कू कुंड है ना, एक पत्थर से बना हुआ है ना। आइए, ये अभी के राजा जी है सर, ये अरविंद सिंह जी मेवाड़, ठीक है ना, ये दरवाजे, ठीक है ना, ये उदयपुर के जितनी भी झीले हैं ये सब राजाओं ने बनाई, मतलब मेन मेड आर्टिफिशियल झीले है ना भैया, नेचुरल नहीं है ना, आर्टिफिशियल है ना, इससे जुड़ी हुई कनेक्टेड है, या कभी बाहर नहीं आती, पानी आगे आगे चलता है, फिर उदयपुर से बाहर निकल जाता है, ये आप ध्यान रखना है। राजा काफी छोटे हैं, यहाँ के रास्ते काफी सकड़े हैं, तो राजा जी ने क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया है कि दुश्मन एक साथ अटैक नहीं कर सके, और राजा के सामने कोई भी आएगा वो सर झुका के आएगा। दोनों ऑप्शन हो गया। आप अब आप चलते चलते मेरे साथ इस राजमहल के चौथे माले पर, फोर्थ फ्लोर, कौन सा भैया ये चौथा माला है ना, फोर्थ फ्लोर, इसमें देखिए बड़े बड़े पेड़ लग रहे, देखो बगीचा बना हुआ है, पेड़ तो जमीन पर होते हैं ना भैया, लेकिन यहाँ चौथे माले पर पेड़ है, देखो झाड़ लग रहे हैं। अब बताइए कि चौथे माले पर झाड़ कैसे आ गए। तो एक्चुअली क्या, ये जो राजमहल है ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है, आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, तो जैसे पहाड़ी आई राजा जी महल बनाते गए, तो राजा जी ने क्या किया, उस नेचर को खत्म नहीं किया, पहाड़ी के अंदर पहले बनाया, तो ये जो इस जगह है ये सबसे पहले इसकी ऊंची पहाड़ी आ गई, तो उस समय क्या किया राजा जी, उसको पहाड़ी को कवर कर लिया। तो आई बाजू तो आप आए थे, देखा आपने इसके नीचे कमरे बने हुए, देखा आपने सीढ़ियाँ बनी हुई थी, इसके नीचे कमरा नहीं लिया, इसके नीचे पूरा पहाड़ी है, तो आप पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, इसीलिए पेड़ लग रहे हैं, जमीन से पार किया है ना, लेकिन सब जमीन पर ही है। और ये जो जगह है उस समय राजा जी यूज करते इसको सिंगिंग के लिए, मोस्टली इसका यूज करते हैं होली फेस्टिवल के लिए। अगला जो कमरा है वो है पेंटिंग्स, पेंटिंग्स जो है भैया डायरेक्ट दीवार पर है, कोई कपड़ा नहीं, कागज नहीं होता है, दीवार पर बनी गई है, और 250 साल पुरानी पेंटिंग्स है, कितना है 250 साल पुरानी। कलर जो है वो सब नेचुरल कलर है, स्टोन वगैरह होते ना, ये भी स्टोन के बने, हाँ ठीक है ना। एक राजा थे महाराणा भीम सिंह जी, उनके समय की है, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी ना उसमें फोटोग्राफी होती थी, तो आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है 250 साल पुराना, ठीक है ना, होली दिवाली फंक्शन मंदिर वगैरह सब दिखाई गए 250 साल पुराना। और इसके अलावा सब्जेक्ट दिखाए गए हैं ना, ये डांस वगैरह है, हाथी घोड़ों की लड़ाई है ना, हाथी घोड़ों की लड़ाई है ये दिखाया गया है, ये भीम सिंह जी अपनी रानियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये हाथी हो खेलते हो पानी के लिए अंदर है, तो सब अलग अलग पेंटिंग दिखाई गई है ना 250। कलर नेचुरल अजीब है, ये शैंपेन का कोई है। वो इस पैलेस का सबसे ब्यूटीफुल रूम है, इसको बोलते हैं शीश महल, कांच का बना हुआ कमरा, जिसके अंदर छत दीवार है, जमीन सब पे कांच लगाया गया है, ठीक है, वेंजर ग्लास है, कांच का मतलब इधर की एक मोमबत्ती को पूरा लाइटिंग होता था, है ना, तो आपको शीश महल देखना, राजा उसका यूज करते अपने सैन कक्ष के लिए, ठीक है सर, तो देखने का पैसा दिया है, बताने के लिए गाइड रखा है आपने, ठीक है, और आप राजा साहब में लेके नहीं आए, अगर घर जाके रानी को यूज करना हो तो आइडिया ले लो, ठीक है, बनाओ तो रानी खुश हो जाएगी, ठीक है, आओ।
आप सामने इसके बारे में। यहाँ से आपको उदयपुर शहर देखना है, इधर से उदयपुर शहर दिखेगा और आई बाजू है पिछड़ा झील। हाँ। एक तरफ झील है, एक तरफ शहर है, सिटी है ना। हाँ। इसके अंदर आपको क्या है कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो है उदयपुर को देखना है तो यहाँ से पूरा कलर टीवी, ये ब्लैक एंड व्हाइट है सामने, है ना, ओरिजिनल। आपको देखना है कलर टीवी, तो सामने कलर टीवी लगा हुआ है, लाल पीला हरा नीला, लाल पीला हरा नीला, ठीक है। आई बाजू छोटा कमरा है, हमारे मेवाड़ का सबसे पुराना लाइब्रेरी है, वाणी विलास नाम है इसके, इसका नाम है। इसके अंदर किताब रखी गई है वीर विनोद, जिसके अंदर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, उसके राइटर थे कविराज शामकदार जी। लाइब्रेरी है, एक पंखा भी है जो मिट्टी के तेल से, केरोसिन से, इसको बोलते हैं भाप देने वाला पंखा, वहाँ रखा गया है। और ये जो टाइल्स देख रहे हैं ब्लू वाला, ये चाइना का टाइल्स है, कहाँ का है, चाइना, चाइना का क्वालिटी वाला माल है ना, आदमी चल रहा है ना, ठीक है। तो भैया देखो सामने जो है उदयपुर शहर है, यहाँ से पिछला झील है, सिटी पैलेस के पीछे जो झील है उसको पिछला कहते हैं, और पानी के बीच में एक व्हाइट वाला बिल्डिंग दिखेगा सामने, जो उदयपुर का सबसे सस्ता होटल है, उसका नाम है होटल ताज लेक पैलेस, ठीक है। किराया 5 लाख तक का है, इसको सस्ता बोलते हैं। और एक बाजू में रेस्टोरेंट है जग मंदिर, है ना, दोनों यहाँ से दिखेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आराम से सिटी को लेक को देखिए, फिर आके चलते हैं।